आपकी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम से कितने समय से जुड़ी हुई है? अभी 1 साल हुआ। आप बताएंगे इस कार्यक्रम में क्या होता है, इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? हम लोगों को वीडियो एक भेजा जाता है बच्चों के एक्टिविटी के लिए, और अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग को वो सुविधा रहती है इससे कि हम लोगों को ये नहीं सोचना होता है कि अगले दिन हमको क्या करना है, और वो ऑलरेडी बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए हम लोगों के पास वीडियो ऑलरेडी आ जाता है, जो कि हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। जो हमको जानकारी थी या जो मुझे आता था, मैं कभी भी गतिविधि एक गतिविधि दो दिन करा लेती थी, लेकिन आपकी गतिविधि रोज अलग अलग आती है, मैं उससे बच्चों को अलग अलग कराती हूँ और बच्चे भी खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें कहानी भी है, कविता भी है, थोड़ा छोटे बड़े का ज्ञान है, मोटे पतले का ज्ञान है, जैसे सुरंग पार करने की भी आती है एक्टिविटी, तो उसमें भी हम लोगों को पता चलता है कि कभी अगर कोई चीज में फंस गए आप तो आप उसमें घबराओगे नहीं, निकल जाओगे। और जो गतिविधि करने से बच्चे भी खुश रहते हैं और हमें भी मदद मिलती है और खुशी भी मिलती है, यानी कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ, आप जो बताई हैं उसकी अलग चीज हो रहा है, इस सेंटर में एक बच्चे को अलग शिक्षा मिल रही है। ये वीडियो आप कब देखते हैं, जो भी आपको मिलती है? वीडियो रात में जब आती है, तब कभी कभी वीडियो सुबह भी आती है, रात में नहीं आ पाती है, तो हम देखते हैं कि वीडियो आया कि नहीं आया, तो देखते हैं, जब रात में देख लेते हैं तो सुबह उसकी तैयारी करते हैं कि यह मुझे केंद्र पर करवाना है, और सुबह में भी आती है तभी हम आते समय एक बार खोल कर मोबाइल देख लेते हैं, अगर वीडियो आया है तो उसके हिसाब से अपने घर से सामग्री लाते हैं या अगल बगल से जुटा के इकट्ठा करके बच्चे से करवाते हैं, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं इससे। हम तो करवाते थे तो बच्चे भूल जाते थे, लेकिन जो आपका वीडियो बच्चे सीखते हैं, कहानी हो, कविता हो, छोटे बड़े का ज्ञान हो, मोटे पतले का ज्ञान हो, मिट्टी से खरगोश बनाना, खिलौना बनाना, बच्चे बहुत खुशी से करते हैं, दिमाग में याद भी रखते हैं बच्चे। पहले भी एक्टिविटी हम लोग कराते थे, लेकिन हम लोगों का गिना चुना एक्टिविटी रहता था, जो कि बस हम लोग पर डे कराते थे, फिर बच्चों का भावगीत कराते थे। अब क्या है कि हम हर दिन इसमें चेंज करके हम लोगों को आता है, जिससे कि बच्चों का चरतरफा विकास मान लीजिए किया जा सकता है, मतलब हम लोगों को वो चीजें सोचनी नहीं है, चाहे वो मैथ से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे वो शारीरिक एक्टिविटी हो, खेल हो, इंग्लिश हो, हर चीजें हैं। तो ये आज का और पहले के भागीतों से एक्टिविटी में बहुत अंतर हुआ है, तो ये हमेशा होना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कोई संदेश देना चाहोगे कि मतलब क्या आपको लगता है कि और भी जो आंगनवाड़ियां हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए? 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में ही आते हैं, तो हम लोगों को यही होता है कि मतलब सारी आंगनवाड़ी अगर एक्टिव होगी तो हमारे बच्चों का भी विकास उसी एक्टिव से करेंगे हम लोग, तो उनका आगे जो प्राइमरी स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में बच्चे एडमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके गार्जियन को थोड़ा सा ये होगा कि नहीं, पहले हम अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में ही भेजें, न कि इंग्लिश मीडियम में या प्राइमरी स्कूल में भेजें।